चलिए जी स्टार्ट करते हैं सेक्शन 40। सेक्शन 40 किस चीज का है? फर्स्ट रिटर्न। अब इस चीज को समझना, जब ये सेक्शन आया सेक्शन 40 फर्स्ट रिटर्न का, तो शुरुआत में मुझे इसमें गलत फहमी हुई कि फर्स्ट रिटर्न कोई नई तरीके की रिटर्न होगी, ठीक है ना, कोई नया फॉर्म होगा, कुछ होगा इस तरीके से। लेकिन ये सेक्शन कुछ और कहता है। ये सेक्शन क्या कहता है, इस सेक्शन को प्रैक्टिकली समझना कि ये कहना क्या चाहता है। एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो इस सेक्शन को समझने के लिए। एक व्यक्ति 26 जनवरी 2020 को लायबल हुआ जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, और रजिस्ट्रेशन चैप्टर आप पढ़कर आए हो कि अगर कोई व्यक्ति लायबल होता है तो वो कितने दिनों के अंदर अप्लाई कर सकता है। उसने 30 दिनों के अंदर अप्लाई कर दिया, ठीक है। लेट सपोज उसने अप्लाई कर दिया 24 फरवरी को अप्लाई, तो आपको यह भी पता है कि जब हम अप्लाई करते हैं उसके बाद हमारे को अगर सर्टिफिकेट देना होगा 3 दिन के अंदर दे देगा, अदरवाइज कोई क्लेरिफिकेशन मांगेगा, ये सारी चीजें बातें होंगी। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि उसने जो हमें सर्टिफिकेट दिया वो सर्टिफिकेट दिया 1 मार्च से। कब से दिया जी? 1 मार्च से। हो सकता है यानी क्या सारा प्रोसीजर वैलिड था? यानी जब इसे 1 मार्च से सर्टिफिकेट दिया गया तो इस व्यक्ति ने जब अपना जीएसटी पोर्टल खोला तो इसके जीएसटी पोर्टल में रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन आ रहा था मार्च 2020 से। ऐसा होता या नहीं? इसके पास ऑप्शन क्या आ रहा था? मार्च 2020 से। ऐसा ही होता है, सर्टिफिकेट की डेट से रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन आता है। लेकिन ये टैक्सेबल पर्सन कब था? टैक्सेबल पर्सन था 26 जनवरी से, और सर्टिफिकेट मिला इसे 1 मार्च से। इसकी लायबिलिटी कब से क्रिएट हो गई थी? 26 जनवरी से। अब ये व्यक्ति ये कहता है कि मैंने 26 जनवरी के बाद जो सेल करी है मैं उस पर टैक्स तो देना चाहता हूं, क्योंकि मैं क्या था? टैक्सेबल पर्सन। मैं फरवरी का भी टैक्स देना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा रिटर्न फाइलिंग का, और जब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा तो मैं टैक्स नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा भाई ये ऑप्शन आएगा नहीं, सेक्शन 40 को पढ़ ले, ऑप्शन आएगा नहीं। उसने कहा क्या कहता सेक्शन 40? उसने कहा ध्यान से सुन इस सेक्शन को, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज मेड आउटवर्ड सप्लाई। क्या बोला? जिसने आउटवर्ड सप्लाई करता इन द पीरियड बिटवीन द डेट ऑन विच ही बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन। ये कौन सी डेट है जी? 26, ठीक है। इन द पीरियड बिटवीन द डेट ऑन विच ही बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन टिल द डेट। क्या बोला जी इन्होंने? टिल द डेट ऑन विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड। Till the date on which registration has been granted. तो granted की डेट कौन सी है जी? 1 मार्च। तो इन्होंने क्या बोला, 26 जनवरी से लेकर 1 मार्च के बीच की जो तेरी outward supply हुई है shall declare the same in the first return furnished by him after grant of registration. जब भी तेरा registration grant होगा उसके बाद जो भी तू पहली रिटर्न फाइल करेगा, और पहली रिटर्न वो कौन सी फाइल करेगा? मार्च की। उसी मार्च की रिटर्न में वो सारी डिटेल वो सबमिट करेगा। क्लियर हुई मेरी बात यहां तक या नहीं? बोलो। हाँ मंथली क्या आएगा? जनरल नहीं, नहीं वो सिर्फ मार्च आएगा, लेकिन सेक्शन 40 को यूज करते हुए, क्योंकि सेक्शन 40 ने क्या बोला है, उस पीरियड की जो आउटवर्ड सप्लाई होगी वो आपको किसमें दिखानी है? अपनी फर्स्ट रिटर्न में। किसमें दिखानी है जी? फर्स्ट रिटर्न में, ठीक है। तो GSTR 1 हो या 3 भी हो, उसी में वो पहली आउटवर्ड सप्लाई दिखाएगा। मजे की बात, इनवर्ड सप्लाई के लिए नहीं बोला। इनवर्ड सप्लाई के लिए नहीं बोला, किसके लिए बोला? सिर्फ और सिर्फ जो कंफ्यूजन आपके मन में है वो मैं बताता हूँ। सर उसके बाद
बता रहा हूँ, सेल किया है, बता रहा हूँ, सामने वाला ले नहीं पाएगा। सुन लो, तुम हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हो, रजिस्ट्रेशन से तुम्हारा चलता हुआ आ रहा है। जब मैं तुम्हें कहता हूँ कि भाई 26 जनवरी 2020 से लेकर 1 मार्च 2020 तक वो टैक्स देगा गवर्नमेंट को, तुम हमेशा ये बोलते हो, जब उसमें जीएसटी नंबर ही भी होगा तो सामने वाला उसे टैक्स देगा ही नहीं। और मैं हर बार ये कहता हूँ कि सेक्शन 31(3) है, आज भी तुमने बात पूछी कि सर ये रिवाइज इनवॉइस क्या है। मैंने क्या बोला, सेक्शन 31(3) में ये लिखा हुआ है इस पीरियड के लिए, इस पीरियड के लिए उसने जो इनवॉइस इशू करे थे उन इनवॉइसेस को नाम दिया गया है कमर्शियल इनवॉइस, और जिस दिन उसे रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर, उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो क्या करेगा, उन कमर्शियल इनवॉइस के अगेंस्ट में एक इनवॉइस दे देगा जिसका नाम होगा रिवाइज इनवॉइस। समझ में आ गई बात, क्लियर है? यहां तक फर्स्ट रिटर्न क्लियर हुआ या नहीं, बोलो पहले। आगे चले, चलिए।